खाना पीना छोड़ दिया। पिछले 30 सालों से केवल चाय पर जिंदा है ये औरत। छत्तीसगढ़ में एक जिला है कोरिया, यहाँ बर्दिया नाम का एक गांव है। इस गांव में एक औरत रहती है, नाम है पिल्ली देवी, 44 साल की है। ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिल्ली देवी ने पिछले 30 सालों से खाना नहीं खाया है, वो केवल चाय पीती है, वो भी एक कप चाय, और इसी एक कप चाय पर वो जिंदा है। पिल्ली जब 11 साल की थी तब से ही उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। विश्वास नहीं हुआ, हमें भी नहीं हुआ था, लेकिन दावा तो यही किया जा रहा है कि पिल्ली देवी ने पिछले 30 सालों से खाना नहीं खाया है। हमारे रिपोर्टर ने खुद पिल्ली देवी से इस बारे में बात की, पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जवाब में पिल्ली देवी ने कहा, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे खाने का मन ही नहीं करता, मुझे केवल चाय पीने का मन करता है, अपने आप ही मन करता है, और कुछ नहीं पता मुझे, केवल इतना ही पता है कि मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मैं शाम को चाय पीती हूँ, सूरज डूबने के बाद। एक बार डॉक्टर्स खाना खाने के लिए कहते हैं, लेकिन मुझे खुद भूख प्यास नहीं लगती। पिल्ली देवी, फोटो ऑर्डिनरी स्ट्रिंगर, राजमरावी। बर्दिया गांव के लोग पिल्ली देवी को चाय वाली चाची बुलाते हैं। पिल्ली देवी के पिता का नाम है रतिराम। उनका कहना है कि जब पिल्ली 6वीं में थी तब से ही उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। रति ने कहा, पिल्ली जब 6वीं में थी तब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने गई थी। वहां से जब वापस आई तब अचानक ही उसने खाना खाना छोड़ दिया और पानी पीना भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिल्ली देवी शुरू में दूध पीती थी, उसके साथ बिस्किट और ब्रेड भी लेती थी, लेकिन धीरे से पिल्ली देवी ने ये सब खाना भी छोड़ दिया और चाय पर शिफ्ट हो गई। एक और बात, पिल्ली देवी लाल चाय पीती हैं, यानी बिना दूध वाली चाय, सूरज ढलने के बाद, वो भी एक कप। पिल्ली देवी, फोटो ऑर्डिनरी स्ट्रिंगर, राजमरावी। पिल्ली देवी के भाई बिहारी लाल ने बताया कि उन लोगों ने पिल्ली की परेशानी के बारे में कई सारे डॉक्टर्स से बात की, लेकिन कोई भी उन्हें कुछ बता नहीं सका। पिल्ली के परिवार के मुताबिक ये जानने के लिए कि उनको कौन सी बीमारी है, उन्हें कई सारे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, लेकिन कोई भी ये नहीं बता सका कि आखिर पिल्ली को हुआ क्या है। पिल्ली का परिवार कहता है कि वो घर से कभी कभार